पास दी कानपुर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और अच्छी आपकी तैयारी भी चल रही होगी, मेहनत भी आप अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो पास ही में है। बीएचयू का एग्जाम भी आपका पास में है, ठीक है, और आपका निमसेट का एग्जाम भी पास में है, जामिया का एग्जाम भी पास में है। लगभग आपके 10 से 15 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस तो ज्यादा से ज्यादा कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा रहे होंगे और कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि सर हमें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसमें आज तक जो चीज नहीं समझ में आई थी वो आज समझ में आ गई, ओके। तो ये अच्छी बात है और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है क्योंकि होता क्या है कि जब हम लोग मेहनत ब्रेक कर देते हैं, दैट मीन्स कभी रुक जाते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा वहां पर होता है, ठीक है। तो आप लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पर जो आज बताने आए हैं आपको, ये बताने आए हैं कि आज आपका मैंने बीएचयू का टेस्ट रखा है, ठीक है, और वो टेस्ट आपका शाम को 4 बजे से शुरू हो जाएगा और वो रात के 12 बजे तक चलेगा, ठीक है। मतलब 4 बजे से 12 बजे के बीच में कभी भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको टाइम 2 ही घंटे मिलेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा और देखिएगा पैटर्न क्या है, ओके। तो हमने यहाँ पर किया क्या है कि एक पेपर सेट उठाया है, ठीक है, और पेपर हमने बनाया है, फिर उसका हमने वहां पर पेपर दिया है, ठीक है। तो आपको वो प्रैक्टिस करना है और उसका सोल्यूशन जो है वो हम लोग कल डालेंगे, तो आपको तो कल सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो जाएंगी क्योंकि सारे खूब सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर आपकी टेस्ट सीरीज में सोल्यूशन नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन ना मिलने का एक रीजन ये है कि दो रीजन है, ठीक है। एक रीजन तो ये है कि सोल्यूशन हम देते नहीं है क्योंकि अगर सोल्यूशन दे देंगे तो आप वो क्वेश्चन ना ढूंढेंगे बुक से, ना मेहनत करेंगे, ना करेंगे। दूसरी जो प्रॉब्लम ये है वो ये भी है कि सोल्यूशन हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि वहां पर सोल्यूशन देना और फिर क्वेश्चन देना काफी टाइम लग जाता है, ठीक है, और फिर और भी चीजें रहती हैं। आप लोग कहते हैं सर वीडियो भी हमें अच्छे अच्छे दीजिए, ये कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर कर दीजिए और ये भी दीजिए, तो इतनी सारी चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है, किसी कारणवश, तो वहां पे ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहली बात तो हम सोल्यूशन के फेवर में ही नहीं थे शुरू से, जब हमने साइट बनवाई थी, ठीक है, तब भी हमने वहां पर सोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं किया था, मैंने उससे बोला था सोल्यूशन साइट में नहीं रहने हैं, लेकिन फिर स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आई कि सर कैसे होगा, तो अगली साल, ठीक है, अगली साल आपको हर टेस्ट का सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इस बार आप अभी जो है हमने इस बार किया है, जो 4 टेस्ट होंगे आपके उनमें हम आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए तो हम है ही, आप हमें कॉल करें तुरंत, ठीक है, हमारे नंबर पे 8400072444 पे, ठीक है। तो आप बीएचयू की अच्छी से तैयारी करें। दूसरी बात हम बीएचयू के लिए इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी वहां पर सिंपल होता है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें क्योंकि जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो इस समय जो बीएचयू के लिए स्पेशली बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आपका एग्जाम जो है सरल सा आता है, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बात समझ में आई। और जो लोग निमसेट की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अच्छे भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लीजिए, हमने आपको बहुत बार बताया है वीडियो में और आज भी बता रहे हैं कि आप जेई मेंस के क्वेश्चन लगा लेंगे तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, ठीक है, क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, आसानी से फंस जाएंगे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर जामिया की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हम लोग बता दें कि पेपर जो है वो इजी आता है, ज्यादा टफ नहीं आता है, अगर आप 100 क्वेश्चन में से 65-70 करेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाता है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो इतनी तो कट ऑफ जाती है। और जामिया का पेपर भी हम लोग साइट पे अभी अपलोड कर देंगे, उसकी भी आप टेंशन ना लें। तो इतनी सारी चीजें आप मेहनत से तैयार करके रखें और हम लोग वहां पर देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम आप पाएंगे सारी प्रॉब्लम दूर की जाएंगी, ठीक है। तो आप आज टेस्ट जरूर दें, हमने बताया आपको आज बीएचयू का टेस्ट पेपर कोड A03, ठीक है, पेपर कोड A03 है और ये 4 बजे से आपका स्टार्ट होगा और ये 12 बजे तक चलता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये केवल प्राइम मेंबर्स के लिए है, जो हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, ठीक है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पर, इसलिए हमने किया हुआ है क्योंकि प्राइम स्टूडेंट कहते हैं कि सर प्राइम और नॉन प्राइम में डिफरेंस नहीं बचा है कुछ, आप सबको फ्री में भी देते हैं, पैसे से भी देते हैं, तो हमने वहां पर ये चीज इसीलिए की है कि नहीं भाई, अब जो इन्होंने पेड किया है तो उनके लिए कुछ फायदा होना चाहिए, तो ये प्राइम मेंबर्स के लिए है, ठीक है। अगर आपने प्राइम मेंबर नहीं ली हुई है तो आप 299 का पेमेंट करके और वहां से प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं, ओके, कोई ज्यादा है नहीं और आपको 10 टेस्ट कम से कम मिल जाएंगे अभी जामिया तक, तो 15 मिल जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हमारे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, आप कमेंट करते हैं उसका मैं रिप्लाई भी देता हूं, और अगर आपको कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कैसे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी जरूरी बात आपको ये बताना जरूरी है कि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे यहाँ पे नया बैच जो है वो
1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, तो वो लोग भी जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। और जिसको भी कोई भी समस्या है किसी भी डाउट की किसी भी, वो हमसे डायरेक्टली कॉल करके पूछे। और एक दिन हम लोग लाइव सेशन आने वाले हैं, यहाँ पर सारी चीजें लाइव डिस्कस करेंगे कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी क्वेश्चन लेंगे, उनके आंसर भी हम देंगे, ओके। तो तब तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के लिए मिलते हैं। और दूसरी बात कि हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, आप सारे टॉपिक पढ़ लीजिए, हमने मोस्टली टॉपिक कवर कर दिए हैं। कोई भी अगर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो उन वीडियो को बार बार देखें, ठीक है। इतना तो हुआ आपका आज का टेस्ट का, लेकिन एक बात इसके साथ में और बताएं, जो स्टूडेंट हैं जिनका सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर अभी कुछ चीजें बची हैं लेकिन ज्यादातर चीजें पूरी हो गई हैं, तो वो लोग क्या करें, हमारे अन अकेडमी के वीडियो है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक यहाँ पर दिया गया है नीचे, ठीक है, वो सारे वीडियोज आप देख लीजिए। वो चाहे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो, चाहे फंक्शन का हो, चाहे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, बिटसेट के लिए हमने जो वहां पर कोर्स चलाया हुआ है उसमें सारे क्वेश्चन निमसेट के रखे हैं हमने, ठीक है, सारे क्वेश्चन निमसेट के रखे हैं, क्योंकि बिटसेट में भी वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप निमसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं बिटसेट के कोर्स से, निमसेट के लिए IIT JEE मेंस के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट वहां पर है कोनिक सेक्शन हमने उठाया है, क्योंकि वहां पर सारे कोनिक सेक्शन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटा है जो आपका बचा हो, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जरूर आपके मेंस में आएंगे। तो कहने का मतलब है हम लोग वहां पर उतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो जो वहां पर क्वेश्चन है वो आप सारे ट्राई कर लीजिए, तो आपको निश्चित है बेनिफिट मिलेगा, आपके कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन उसी से मिल जाएंगे जो हमने वहां पर अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक। तो एक तरीका आपके पास ये है पढ़ने का, देखो भाई सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है आप ज्यादा इधर उधर ना भटके, क्योंकि जितना भी जैसे हमने अभी उस दिन आपको IAS का यहाँ पर जिसकी सेकेंड रैंक थी तो उसका मैंने इंटरव्यू अपलोड किया था, ठीक है, तो उसने बताया कि हमने तैयारी की, तैयारी कहाँ की, ऑनलाइन तैयारी की, ऑनलाइन इन द सेंस कि उसने कोचिंग नहीं ज्वाइन की, ठीक है, लेकिन एक बात और बताई कि उसने अपने सोर्सेज लिमिटेड रखे, ठीक है। सोर्सेज लिमिटेड रखने का मतलब है कि उसने जहां से पढ़ा, जिस भी टीचर से पढ़ा, ठीक है, ऑनलाइन, उसको उसने बिल्कुल बेस बनाया कि नहीं हमें इसी से पढ़ना है, जितना मटेरियल आएगा इसी से पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको सक्सेस मिली। लेकिन स्टूडेंट क्या होते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हम देखते हैं होगा क्या कि वो 10 टीचर को सर्च करेंगे, 50 टीचर को सर्च करेंगे, सबका मटेरियल कलेक्ट करेंगे, अब उनको खुद डाउट रहता है कि हम कौन सा मटेरियल पढ़ें, किससे ज्यादा बेटर मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है, आप एक टीचर को पकड़ लीजिए, हम लोग बार बार बोलते हैं एक टीचर को पकड़ लीजिए, जितनी वो गाइडेंस आपको दे रहा है आप उस गाइडेंस को फॉलो करिए। हाँ, बट ऐसे टीचर को ना पकड़िए जो आपको गाइडेंस देता ही ना हो, केवल वो एक इंटरटेनमेंट के लिए कभी कभी कुछ ना कुछ थोड़ा सा कर देता हो, ठीक है, ऐसा ना करें। तो आप वहां पर क्या करें, एक को पकड़ लें, उसका सारा मटेरियल जितना भी है वो मटेरियल आप रीड करें, जितने भी वीडियोज हैं वीडियोज रीड करें, ठीक है, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना पा पाए, ओके। तो आपको करना क्या है कि जितना भी जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जिनको अच्छा लगता है कि हम एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं या फिर एक ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि मेरा पढ़ाया हुआ सबके समझ में आ जाता हो, लेकिन जितने लोग हमें रिप्लाई करते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं वो हमें समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है। तो समझ में अगर आपके आता है और आप अच्छा मानते हैं तो उसको फिर दूसरी जगह पर क्यों डिवाइड करते हैं, भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सर्चिंग में, हम उतना आपको दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज को फॉलो करें, ओके। तो कहने का मतलब हमारा ये कि हमारे जितने भी वीडियोज है आप टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिए, ये तो आपका हो गया कंटेंट, ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गए, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म खोला तुरंत और हमारे जितने भी वीडियो वहां पर पड़े हुए हैं आपने देखने शुरू कर दिए, तो आपके क्वेश्चन भी एक साथ प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे लेटे हुए हैं, ठीक है, नींद आ रही है, आपने देख लिया मूवी जैसी देख रहे हैं, उसमें क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो एक ये पढ़ने का तरीका है, और बाकी टाइम क्या करें, आप कॉन्सेप्ट देखें, बुक से क्वेश्चन अपने आप लगाएं, फिर हम टेस्ट सीरीज भी ले रहे हैं, आप टेस्ट भी दें वहां पर, ठीक है, इतना इनफ है भाई, इतना अगर आप कर लेंगे तो अच्छा सा सिलेक्शन आपको मिल जाएगा, कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आप वहां पर भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, खासकर आपका बिटसेट का कोर्स और ये मेंस के जितने भी कोर्स हैं हमने वहां पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब दिए हैं, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लें, ओके। अगर आपका अभी भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल करें और वहां पर तुरंत पहुंचें। जो लोग स्टूडेंट अभी हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी हमें कॉल कर सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं, ठीक है।
जिसको भी जो भी समस्या होती है, जो लोग दूर से आने में कैपेबल नहीं है, जैसे झारखंड है, रांची है, बिहार है, तो वहां से स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं, तो वो लोग हमारा कोर्स ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या है, कुछ भी है डाउट, आप हमें कॉल करें, तुरंत फोन करें, ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे उसका, मेल भी कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको हमसे कनेक्ट होना है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और अपनी मेहनत को इसी तरीके से बनाए रखें, बहुत ज्यादा मेहनत करते रहें, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जब तक आप उस भीड़ को हटा करके, जैसे नहीं होता है, हम लोग क्या जाते हैं, जब कहीं लाइन लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, भीड़ को हटा देते हैं, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो वो क्या है, वो साइड हो गए, हम कहाँ हो गए, फ्रंट पे। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये अगर नहीं करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि भीड़ है, भीड़ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही वहां पे निमसेट में भी आपके बीएचयू के बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जब तक आप उनको हटाएंगे नहीं तब तक आप कैसे घुस पाएंगे, और हटाने का तरीका यहाँ पर लड़ाई करके और ऐसे नहीं हटाने का तरीका है, हटाने का तरीका है आप उनसे ज्यादा मेहनत करें, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, वो 2 घंटे कर रहे हैं तो आप 5 घंटे करें। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है। ओके, तो आप लोग तब तक अपना ध्यान रखें, और फिर हम लोग शाम को 4 बजे आपकी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन होगी, तो आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।